केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अब सुशांत मुद्दे पर अपना बयान दिया है। वो महाराष्ट्र की राजनीति से कई सालों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में नितिन गडकरी का क्या कहना है सुशांत मुद्दे पर, मैं हीना कुमावत फिल्म इंडिया आपको बताऊंगी। नितिन गडकरी ने कहा कि जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाती है, पूरे प्रकरण की जाँच अच्छे से नहीं हो जाती है, मुंबई पुलिस ने अपनी जाँच की है, ईडी ने अपनी जाँच की है, और जब तक पूरी जाँच नहीं हो जाती, उच्च स्तरीय जांच हो रही है, उच्च स्तरीय इंक्वायरी हो रही है, तब तक किसी को भी इस पर बात नहीं करनी चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, उसका मर्डर हुआ, रोज मीडिया में इसकी चर्चा हो ही रही है और मीडिया भी जो है अपनी तरफ से इसको बहुत कवरेज दे रहा है। क्रिमिनल लॉयर हो, मीडिया जो है क्रिमिनल लॉयर भी बन गई है, मीडिया जज भी बन गई है, मीडिया पुलिस भी बन गई है, मीडिया अनुमान लगाकर सारे रिजल्ट भी निकाल रही है और मीडिया जो है लोगों को फांसी पर भी लटका रही है। ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पर जो है इतनी बातचीत नहीं होनी चाहिए जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती। ईडी अपनी जांच कर रही है, कई उच्च स्तरीय जाँच जो है इसमें जुड़ी हुई है, ऐसे में इस पर किसी भी तरह का कमेंट करना सही नहीं होगा। तो इस तरह का बयान जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया है और उन्हें लगता है कि सीबीआई जांच हो, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा है, इसमें बहुत, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई नेता जो है किसी तरह का बयान देता है तो उसको लेकर काफ़ी राजनीति शुरू हो जाती है, और इसीलिए उन्होंने बस इतना कहा कि इसमें जो है मीडिया बहुत सारी भूमिकाएँ निभा रही हैं, कभी वो लॉयर बन जाती हैं, कभी पुलिस बन जाती हैं, और अपने आप अनुमान लगाकर जो है उन्होंने आरोपी भी तय कर लिया है। तो इस तरह का बयान जो है नितिन गडकरी ने दिया है।